गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा, मतलब छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। पहले में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग देखा था, दूसरे में हम लोगों ने ए एन बेसिकली जनरल टर्म या एनथ टर्म वाले का पूरी चीज़ पढ़ी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन करे थे। ठीक है, आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, मतलब एन टर्म ऑफ एपी का सम का फॉर्मूला हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, बेसिकली जैसे मान लो मेरे को सीरीज दे रखा है 1 2 3 4 5। अब मुझे बोले कि बताओ पहले 50 नंबर का सम क्या होगा, पहले 50 नंबर का सम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? अब लेके बैठेंगे थोड़ी कि 1 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 6 आया, फिर उसको 4 से जोड़ा, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है, हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पहले एक हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं, ऐसे नॉर्मल तरीके से देखते हैं, एक नंबर से समझ के फिर उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यही एग्जाम्पल है ना, कि हम लोगों को समेशन निकालना है 1 + 2 + 3, अब 2 कहां तक लेके, 50 तक। चलो 50 40, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक 49 लिख लेते, 14 लिख लेते हैं, 3 आगे से 3 पीछे से, 48 49 50, यही आएगा। अब मेरे को इसका समेशन निकालना है, तो मैंने क्या किया, सीरीज को उल्टा लिखा। सीरीज को क्या किया, उल्टा इस तरीके से, क्योंकि मैं सीरीज को अगर पलट दूं, इसको आगे लिख दूं और इसको पीछे लिख दूं, समेशन तभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने यहां लिखा 50 + 49 + 48, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा, 3 + 2 + 1। अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को मैं क्या करूं, जोड़ दूं, तो क्या आएगा बताओ, यहां से s + s 2s आ जाएगा, आ जाएगा 50 + 1 51 + 49 + 2 51 48 + 3 51, ऐसे करके सीरीज जाती रहेगी। यहां 48 + 3 51 49 + 2 51 50 + 1 51, यही आएगा। अब बताओ ये 51 51 कितने टाइम आएगा, 20 टाइम, सॉरी ये 51 51 कितने टाइम आएगा, 50 टाइम आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल 50 नंबर है, तो 50 नंबर अगर इन दोनों को मैं एक क्लब करूं तो एक क्या आएगा, एक बनेगा, फिर इनसे एक बनेगा, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 50 बने थे, तो उससे कितना आया 51, तो टोटल नंबर ऑफ 51 कितने आएंगे, 50 टाइम। तो क्या आ जाएगा, इसको क्या मैं लिखूं, 2s = 50 * 51, तो यहां से s कितना आ जाएगा, 50 / 51, यहां से ऐसे आ जाएगा 51 * 50 * 51 / 2, तो s = 25 * 51, तो निकाल लो s कितना आएगा, 25 * 5 दो हाथ में, 25 * 5 कितना, 125, और 125 + 2 127, तो ये मतलब पहले 50 टर्म का सम ऐसे ये इतना आएगा आएगा। ये हम लोगों का मेथड हुआ, बेसिकली थ्योरी में हम यही करने वाले हैं, जो इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना, ऐसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब ये तो मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, एग्जांपल को कि क्या किया मैंने, पहले एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा बेटर होगा, फिर इसका डिराइव करते हैं। देखो, तो मैंने एस लिखा, मान लो पहला टर्म ए है, क्योंकि पहले टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए उससे करेंगे, सेकेंड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a + 2d से, थर्ड टर्म को सॉरी a + d से, सेकेंड थर्ड टर्म को a + 2d से डिराइव करेंगे, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। अब मेरे को बताओ लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, a + n - 1 * d, लास्ट टर्म मतलब क्या, जो हमारा nth टर्म होगा वो क्या होगा, a + n - 1 * d, इससे पहला वाला टर्म क्या होगा, क्योंकि यहां n - 1 है, तो अगला वाला टर्म क्या होगा, a + n - 2 d होगा, होगा। अब ऐसी करके यहां पे इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, a + n - 2 d, ये क्या होगा, सेकेंड लास्ट टर्म, इससे पहला वाला टर्म क्या होगा, a + n - 3 d, यही आएगा। अब मैंने बोला सीरीज को मैं उल्टा लिख देता हूं, मैं क्या करता हूं सीरीज को उल्टा लिख दो भाई, उल्टा सीरीज, तो जैसे लिखोगे तो क्या आएगा, a+, ये एक साथ है ना, ये दोनों एक साथ, इसी तरीके से ये वाला टर्म इसके एक साथ, ये और ये, ऐसे करके। ठीक है, मैंने क्या किया सीरीज को उल्टा लिख दिया, लिखा सीरीज को उल्टा, तो क्या आएगा, a + n - 1 * d, ये आ जाएगा। अगला टर्म क्या आ जाएगा बताओ, a + n - 2 * d आ जाएगा, प्लस अगला टर्म देखो क्या आएगा, a + n - 3 * d, यही आएगा। ऐसे करके सीरीज ज्यादा रहेगा। अब इसके नीचे क्या आएगा, अब मैंने उल्टा लिखा है तो ये वाला टर्म इसके नीचे आएगा, तो लिख दो भाई a + 2 d, इसी तरीके से अगला क्या आएगा, a + d, लास्ट में क्या आएगा, केवल a बचेगा बचेगा। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। अब जैसे दोनों को जोड़ोगे तो मैं दूसरे मार्कर का कलर का यूज करता हूं, तो s + s कितना हो जाएगा,
2s हो जाएगा, हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, अब जोड़ने के लिए ये दो जोड़ेंगे, उसके जस्ट नीचे वाले, ये और ये, ये और ये, ऐसी बीच में ऐड होते जाएंगे, इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ ये ऐड होगा, होगा। जोड़ो तो क्या आएगा, a प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अगला टर्म इन दोनों को भी जोड़ो, देखो अगेन a प्लस ए आएगा, जोड़ो इसको, a प्लस ए टू ए हो जाएगा, लिख दो भाई, तो ये आ गया एक टर्म। अगला टर्म ऐसी आएगा टू ए प्लस, अब देखो n माइनस टू, तो ये क्या यहां से n माइनस टू ऐसे ब्रैकेट में आएगा। अब देखो एक d यहां से आ रहा है, यहां n माइनस टू है, तो कितना बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि इसको अगर ओपन करो, मैं यहां पे ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है, a प्लस एन डी माइनस टू डी प्लस डी, तो क्या बचेगा, a प्लस एन डी माइनस डी, डी कॉमन निकालो, तो a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है, तो ये टू ए होगा, ये टू, क्योंकि दो जोड़े हैं दोनों को, तो यहां से क्या जाएगा, अगेन सेम टर्म, मैंने अभी सिखाया भी था, अगले वाले का भी क्या आएगा, सेम टर्म ही आएगा, आएगा ऐसे करके, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा, लास्ट में भी ऐसे ऐड करो तो अगेन सेम आएगा, करके देखना, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और लास्ट वाले को भी ऐड कर लेते हैं, इस वाले को भी, उससे भी क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी आ जाएगा, आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, क्योंकि a प्लस जीरो डी से स्टार्ट किया और कहां तक गए, एन माइनस वन तक गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, एन टर्म, क्योंकि यहां पे मैंने s को sn बोल दो, चलो sn मतलब क्या, n नंबर ऑफ टर्म का सम, तो ये कितने टाइम आएगा, n टाइम, तो 2sn sn इज इक्वल टू n टाइम 2a प्लस n माइनस वन इन टू डी, तो यहां से sn आ जाएगा, n बाय 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, ये क्या है, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ap, मतलब फर्स्ट n टर्म ऑफ ap का सम है ये वाला फॉर्मूला। इसको चाहूं तो मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, देखो कैसे, sn मैं इसको इधर लिख रहा हूं, है ना, प्रूफ यहां पे लिख रहा हूं, देखो sn n बाय 2, मैंने क्या किया, a को अलग लिखा, बचा हुआ टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को अलग लिखा, लिखा ये क्या है हमारा, हमने पढ़ के रखा है, ये पढ़ के रखा है, a n पढ़ के रखा है, क्या पढ़ के रखा है, a n पढ़ के रखा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, s n n बाय 2 a प्लस a n, a प्लस a n भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कभी कभी इसको ये भी बोला जाता है s n को, क्या फर्स्ट n, वर्ड में कैसे बोलते हैं, n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, तो सेम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, केवल ए एन को हम लोग क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म, एन टर्म, या बोलना चाहो तो लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है एस एन का, यहां पर हम लोगों ने जो डिराइव किया वो फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एक फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखा हो तो n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अच्छे से हमको याद होने चाहिए, मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया, दोनों एक एग्जांपल से भी बताया और इस तरीके से भी बता दिया, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने ये फॉर्मूले को डिराइव किया है। डेरिवेशन मोस्टली नहीं पूछेगा एग्जाम में, कभी भी किसी बोर्ड भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर अगर मान लो कभी पूछे भी तो हमको पता होना चाहिए कि कैसे प्रूफ इसका आया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, दोनों फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, ये वाला इसके लिए, तो फॉर्मूला क्या है, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, चलिए फिर अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि खत्म हो गई थ्योरी, इतनी है थ्योरी खत्म हो चुकी, अब क्या करेंगे हम लोग, बस इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, कुछ एग्जांपल्स नोट करता हूं पहले, देन इसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, यहां हम लोगों ने पांच एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं सारे एग्जाम्पल को करता हूं, क्योंकि हम लोगों को टाइम भी थोड़ा बचाना रहता है हमेशा, तो हम क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, है ना, जिससे आपका भी टाइम बचेगा,
मेरा भी टाइम बचेगा और सबका टाइम बचेगा, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखिए फॉर्मूला हमेशा सेम ही है, एग्जाम्पल नंबर 11, केवल उसमें वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाओ ना, सारे क्वेश्चन यो होंगे, एकदम चुटकी बजाते हुए ऐसे एकदम तुरंत, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 है ये, ठीक है। 22 अच्छे से लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, 22, ठीक है। 22 टर्म ऑफ एपी, अब इसका ये सब दे रखा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 22 हो गई। ए कितना हो गया, दैट इज फर्स्ट टर्म 8, डिफरेंस कितना हो गया, माइनस कर लो 3 - 8, तो दैट इज डी इज इक्वल टू -5, यही होगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यू रख दो, तो s कितना बोला है 22, n की वैल्यू बोला 22 रखा, तो कितना आएगा 22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 प्लस n कितना है 22, तो 22 माइनस 1, d कितना है -5, तो ये आ गया 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 2 इंटू 8 16, 11 22 माइनस 11 कितना हो जाएगा 22 माइनस सॉरी 1 11 सॉरी 22 माइनस 1 21 हो जाएगा। चलो तो 21 इंटू -5 ये आ जाएगा, चलो 11 16 21 इंटू -5 कितना हो जाएगा 105, मल्टीप्लाई करके देख लेना 105 11 इंटू, अब देखो भाई 16 इंटू -105, तो 105 में अगर 16 को हटाओगे तो कितना आएगा माइनस ऑफ 89 आएगा, तो -89 इंटू 11, तो मल्टीप्लाई कर लो 11 9 कितना आएगा हाथ में 9 आएगा 8 प्लस 88, 11 इंटू 8 कितना 88 प्लस 9 97, तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 979 फर्स्ट 22 टर्म्स का सम S 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई कैलकुलेटर अगर लग रहा है क्या 88 प्लस 9, नहीं बिल्कुल सही है। अब अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 12, ये तो 11 था, एग्जांपल 12 देखिए, एग्जांपल 12 क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज इतना एंड फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 28 टर्म, हम लोगों को 20 टर्म फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू यहां इन्होंने दे दी 14, फिर इसके बाद s 14 दे दिया, s 14 मतलब क्या, समेशन ऑफ फर्स्ट 14 टर्म दैट इज 1050, फिर हम लोगों को a दे दिया, a कितना है हम लोगों का 10, चलो फॉर्मूला लगा दो, तो s n बराबर n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलो रखो एस एन की वैल्यू, सबकी वैल्यू रखो 1050, एस 14 ना 1050, एन कितना है 14, रख दो 14 डिवाइडेड बाय 2 2a कितना, a कितना है 10, तो 2a कितना हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1, तो 14 माइनस 1 13 इंटू डी, यही आएगा। अब देखो ये कट गया, ये 7 आ जाएगा, अब जैसे ही ये हम लोगों का 7 आया, तो ये 7 भी इससे कट रहा होगा, कितने से करेगा 15 से, ठीक है। देखो 105 15 इंटू 0 तो कितना आ जाएगा 150, बेसिकली क्या आएगा 150, कट के देख लेना ये साथ, चलो मैं एक स्टेप और लिख ही देता हूं, तो 1050 डिवाइडेड बाय 7, जो ये 7 यहां था ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, तो 2a प्लस 13d यही आएगा। अब देखो 1050 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 एकम कितना आ जाएगा 7, तो 3 बचेगा हाथ में, 7 इंटू 5 35, तो कितना आ गया 150 बराबर 2a बराबर 20 प्लस 13d, तो देखो भाई ये इधर जाएगा, तो 150 माइनस 20 कितना हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 13, 130 इज इक्वल टू 13d, अब ये 13 इससे इधर चला जाएगा, तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी 10 आ गया 10। अब जैसे कॉमन डिफरेंस मिल गया, हमको क्या निकालना है, a 20 निकालना है ना, क्या बोला इसने फाइंड 20th टर्म मतलब क्या 20 टर्म, a 20 के लिए फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लगा देते हैं फॉर्मूला, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू कितनी 20 रख दो, तो a प्लस 19 डी, सारी वैल्यू रखो तो a 20, a की वैल्यू कितनी है 10,
ए की वैल्यू कितनी है 10, 19 इंटू 10 190, तो हमारे पास ए 20 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ए 20 कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 200 आ जाएगा, यही हम लोगों का क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन में यही करेगा, कभी आपको SN दे देगा, कभी आपको A दे देगा, कभी आपको D पूछ लेगा, मतलब टोटल देखा जाए वेरिएबल कितने हैं 1, 2, 3 और SN को भी चलो एक समय का मान लो, तो टोटल चार लोग हैं, चार लोग इस फैमिली में, टोटल चार लोग हैं, तो इस फैमिली में अगर चार लोग हैं तो तीन दे देगा चौथा पूछेगा, या ऐसे ही करता रहेगा कोई भी, अब इसमें यह हो सकता है कोई भी तीन दे देगा और फिर आपसे बाकी एक पूछ लेगा, तो आपको केवल फॉर्मूला रखना है और आंसर लाएंगे, ठीक है, वही चीज हम लोगों ने यहां पे किया है। तो चलिए इसको अब रफ करते हैं, एग्जांपल नंबर 11 और आपका 12 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 13, मैं पहले बता रहा हूं एक बार आप बोर्ड का जो ऐसे लिखते हैं वो जरूर देख लीजिएगा एग्जांपल में कि उन्होंने कैसे लिखा है, मैं आपको यहां पे केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, तो मैं प्रॉपर बोर्ड वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैं लेक्चर में क्वेश्चन ले सकूं, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, इस वजह से मैं थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूं, देयरफॉर ये इतना है तो ये इतना होगा, वो आप लिख सकते हो देख के, ठीक है, तो आप वो खुद से लिख लीजिएगा। चलिए अब एग्जांपल नंबर 12 हो गया, तो 11 12 को भी रफ कर देते हैं, जैसा होता जाएगा हटाते जाओ, लो हट गया। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी देयर, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, मतलब हम लोगों का कोई एपी दे रखा है, समेशन 78 है, तो बोल रहा कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो चलो भाई अगेन एग्जांपल नंबर कौन सा है, ये 13 है, देखो एग्जांपल नंबर 13, सब वही वही रखना चालू करो, तो ए कितना हो गया 24, डी देखो तो डी कितना आएगा 21 माइनस 24, तो डी कितना आ गया माइनस 3 आ जाएगा। समेशन तो एस एन दे रखा है 78 दे रखा है 78, चलिए भाई फॉर्मूला रखिए, तो एस एन क्या होता है एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। चलिए रखें वैल्यू को, सारे वैल्यू को प्लग इन करो, तो SN कितना है 78, N तो पता नहीं है तो N by 2 ही रहने दो, 2A, तो पहला टर्म A था, पहला टर्म कितना था 24, तो 2A कितना हो जाएगा 48 प्लस N माइनस 1, D कितना है D इज माइनस 3, तो D की वैल्यू माइनस 3 यहां पे रख दीजिए, रख दिया माइनस 3, तो चलिए तो 78 बराबर N by 2, 48 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3n, माइनस माइनस 1 के साथ, अगर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 आ जाएगा, तो 78 बराबर n बाय 2, 48 प्लस 3 51 माइनस 3n यही आएगा। अब दो को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो, दो को सॉरी लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दो को जैसी मल्टीप्लाई करोगे तो 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा 156 बराबर, अब ये n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 51n माइनस ये अंदर चला जाएगा माइनस 3n स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आओ तो जैसी लाओगे तो 3n स्क्वायर माइनस 51n माइनस सॉरी प्लस 3n स्क्वायर माइनस सबको इस तरफ ले आए लेफ्ट साइड प्लस 156 बराबर 0 यही आएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज भी कर सकते हो या चाहो तो डायरेक्टली उस तरीके से भी कर सकते हो, किस तरीके से बताइए आप, फॉर्मूला लगा के भी, ठीक है। तो चलो पहले फैक्टराइज करके देखते हैं हम लोग, तो फैक्टराइज वाला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड आता है कि हम लोगों को ये वाले और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है, तो देखो मल्टीप्लाई करो तो 3 into 156 कितना आएगा 8 5 3 into 5 15 plus 1 6 हाथ में आई 1 तो 468, तो मतलब बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करो, बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करो कि हमारा 468 आना चाहिए, बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा 468 आना चाहिए। तो भाई सोचो 51 को दो नंबर में ब्रेक करना है, तो 51 को दो नंबर में कैसे ब्रेक करें कि 468 आ जाए, 51 को दो नंबर में कैसे ब्रेक करें कि हमारा 468 आ जाए, तो सोचा हम लोगों ने सोचा चलो भाई 51 को लेके देखते हैं, ठीक है। तो 51 को सबसे पहले मैंने ब्रेक किया 49 and 2 में ब्रेक किया, कर सकते हैं क्या इसे 468 आएगा, नहीं आएगा, मतलब हमारा गलत है। फिर आगे गए हमारे पास
तो 48 और 3 लिया, तो 48 3 से भी हमारा काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर हमने सोचा चलो 47 और 4 ले लेते हैं, तो 47 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आएगा क्या हमारा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने सोचा भाई इतना ले रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कैसे करें। फिर मैंने सोचा भाई चलो एक लास्ट मारता हूं मैं, 42 और 9, मैं ये करके देखता हूं। जैसे मैंने 42, क्योंकि देखो 42 प्लस 9 समेशन उतनी आएगा, आएगा समेशन, मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं किया, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब 42 इंटू 9 करके देखो क्या आ रहा है, 9 इंटू 2 18, हाथ में आया 1, 9 इंटू 4 36, 378 आ रहा है, पर हमको 468 लाना है, मतलब ये नंबर भी नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ये नहीं हुआ तो मैं काम करता हूं 39 और 12 करता हूं, 39 और 12 करके देखो, तो 39 12 कितना आएगा, समीकरण तो 51 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो तो 12 इंटू 9 108, हाथ में आया 10, 12 इंटू 36 तो 468, बिल्कुल बैठ गया। तो इसको बीच वाले नंबर को कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 3n² - 39n - 12n + 156 = 0। तो देखो भाई यहां से 3n कॉमन आ जाएगा, पहले दो टर्म से 3n कॉमन, तो क्या बचेगा n - 13 बचेगा, यहां देखो -12 कॉमन, तो यहां क्या बचेगा n - 13 = 0। तो देखो भाई यहां से हमारे दो फैक्टर आए n - 13 और दूसरा फैक्टर आया 3n - 12 = 0, यही आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे आगे अगर हम लोग बढ़े तो n बराबर 1 तो आया 13 और दूसरा आया n बराबर 4, अगर इसको 0 करके देखो तो। अब देखो कौन सा नंबर ले, अब दो आंसर आ गए ना, n बराबर 13 भी और n बराबर 4 भी, तो हमको अगर n बराबर 4 का मतलब क्या है, फर्स्ट फोर टर्म, तो फर्स्ट फोर टर्म लेके देखो क्या उसका सम 78 आ रहा है, 24 21 18, हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 भी हमारा आंसर होगा। n इक्वल टू 13, अब n इक्वल टू 13 का मतलब क्या है कि 13 नंबर ऐसे आने चाहिए, तो n इज इक्वल टू 13 भी हमारा आंसर है, n इज इक्वल टू 13 भी हम लोगों का आंसर, तो दोनों आंसर है। क्यों 13 क्यों आंसर है, क्योंकि ये सीरीज है, कुछ देर के बाद निगेटिव नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैं देखूं 24 21 18, तो ऐसे करके एक बार 0 भी आएगा, फिर -3 भी आएगा, -6 भी आएगा, -9 -12, इसे सारे सीरीज आते नंबर आते जाएंगे, जब आएंगे तो इधर का सम और उधर का सम दोनों को जब हम प्लस करेंगे, तो पहले क्योंकि 0 से पहले इधर वाले नंबर पॉजिटिव होंगे, 0 के उस तरफ वाले नंबर निगेटिव होंगे, तो दोनों को दोबारा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, तो देयर विल बी दो पॉसिबिलिटीज ऑफ एन, देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज ऑफ एन, विच वन, एन इज इक्वल टू 4 एंड एन इज इक्वल टू 13। हम चाहते हैं ना तो इसको यहां से एक, मैंने ये भी कर सकता था कि मैं यहां से 3 को हटा दूं, 3 हट रहा है ना यहां से, 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 अगर कॉमन भी निकालोगे तो क्या आएगा, n² - 17n + 52, तो ये थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा। अब यहां से मुझे फैक्टर दिख रहा है, यहां से तुरंत फैक्टर दिखेगा, n ये फैक्टर दिख रहा है 13 और 4, तो n - 13 एक फैक्टर हो जाता और n - 4 एक फैक्टर हो जाता, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोगों का वैलिड था। और दूसरा तो आप लोगों को पता है कौन सा, फॉर्मूला मेथड, जो आपने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ के रखा है, ये वाला x = -b + -√b² - 4ac/2, ये वाला मेथड भी आपने पढ़ के रखा है 9th वाले चैप्टर में, 9th के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, 10th के भी चैप्टर में क्वाड्रेटिक वो भी पढ़ेंगे, बट ये वाला भी फॉर्मूला आपने पढ़ के रखा है, तो सारी वैल्यू को भी प्लग इन करके आप निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, देखिए रफ कर देते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 क्या लिख के रखा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब इंपॉर्टेंट ये है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तो बताया आप लोगों को 0 1 2 -1 3 4, ये सब इंटीजर, पर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, बहुत बड़ा सवाल। एग्जाम्पल नंबर 14, तो पॉजिटिव नंबर इंटीजर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, जो बेसिकली जो नेचुरल नंबर होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3 ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा, 999 फिर 1000 आएगा, हम लोगों को इसका सम निकालना है, इसका सम फाइंड करना है। तो चलो करते हैं, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1,
एन इज इक्वल टू 1000, तो Sn निकाल लें, Sn का फॉर्मूला n बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, यहां n नहीं है, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म दैट इज 1000, लास्ट टर्म, दो फॉर्मूले थे ना, तो पहला वाला फॉर्मूले से मैं नहीं बता रहा हूं, एक बार दूसरे वाले फॉर्मूले से बता रहा हूं, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है, 1000 है, वो भी n की वैल्यू भी 1000 ही है, नंबर ऑफ टर्म, तो निकाल लो भाई, तो 1000 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म दैट इज 1, लास्ट टर्म दैट इज 1000, तो कितना आएगा 500 मल्टीप्लाई 1001, मल्टीप्लाई कर लो 5005, ये हम लोगों का आंसर आएगा पहले 1000 टर्म का सम, ठीक है। अब इसका, ये हमारा पहला पार्ट था, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, तो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है हम लोगों का, कि हमको फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर का निकालना है, तो एन पॉजिटिव इंटीजर का निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, अब वो बेसिकली एक फॉर्मूला बनेगा जो आप लोगों को याद रखना है, क्या करना है, जो आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार यूज होगा। तो देखो वो सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, कि 1 2 3 4 ऐसे लेके एन नंबर ऑफ टर्म्स तक, तो इससे पहले एक टर्म क्या होगा, एन माइनस वन, अगला टर्म क्या होगा, एन टर्म होगा। तो हमको यहां से क्या क्या पता है, ए इज इक्वल टू 1 पता है, फिर हम लोगों को डी पता है, 1 पता है, नंबर ऑफ टर्म्स ये भी पता है, वो कितने है हमारे, n है, तो एस एन का फॉर्मूला n बाय टू 2a मतलब कितना आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1, तो एस एन का क्या आएगा, देखो n बाय टू, तो n माइनस 1 तो बेसिकली n प्लस 1 बन जाएगा, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हम लोगों को याद रखना है, ये क्या करना है हम लोगों को याद रखना है, तो नीचे नोट करके लिखो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर स्लैश एन, एन नेचुरल नंबर को मैं क्या लिखता हूं, एन पॉजिटिव फर्स्ट, ये पूरा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर स्लैश एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर स्लैश एन पॉजिटिव इंटीजर इज एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, हम लोगों को यह याद रखना है कि पहले जो एन नेचुरल नंबर होता है उसका समेशन क्या आता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल 15 हम लोगों को बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ नंबर हूज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 + 2n, मतलब कोई हम लोगों को an दे रखा है, 3 + 2n दे रखा है, अगर मुझे an दे रखा है तो क्या मैं यहां से a1 निकाल सकता हूं, a1 निकालो, तो a1 डालो, n की वैल्यू 1 डालो, तो जैसे ही 1 डालोगे तो कितना आएगा 5, n की वैल्यू 2 डालो तो a2 आ जाएगा, डालो n की वैल्यू 2 तो कितना आ जाएगा 7, n की वैल्यू 3 डालो तो कितना आ जाएगा 9, n की वैल्यू 4 डालो तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 11, यही आएगा। अब उसने कितना बोला है, फर्स्ट 24 टर्म्स का, तो ठीक है भाई, a कितना हो गया 5, n कितना हो गया 24, d कितना हो गया 2, कॉमन डिफरेंस करके देख लो 7 - 5, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, Sn का फॉर्मूला लगा दो, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 2 2a मतलब कितना हो जाएगा 10 प्लस n माइनस 24 माइनस 1 दैट इज 23, d कितना है 2 है, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 12 आ जाएगा, 10 प्लस 23 इंटू 2 46, तो 12 इंटू 56 तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72, हाथ में आया 7, 12 इंटू 5 60, 672 आ जाएगा, तो मतलब फर्स्ट 24 टर्म का सम कितना आएगा 672 आएगा, जिसका
एन, एन मतलब क्या, एनेट टर्म इज गिवन, एनेट टर्म इस फॉर्म में भी दे सकता है जहां पे हम लोग एन की वैल्यू रख रख के टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हम लोगों ने इतने सारे एग्जांपल किए, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और करते हैं, उसको मैं लिखता हूं, वर्ड वाला क्वेश्चन है, वर्ड वाले क्वेश्चन को भी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, देन फिर ये चैप्टर भी एंड होगा, ठीक है। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं नोट डाउन करता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए, दो क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, एग्जांपल नंबर आपका 16 एंड एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है पर तभी भी ये क्वेश्चन वाला आप देख सकते हैं, है ना। तो एग्जांपल नंबर 16 क्या बोल रहा है कि कोई इंसान होगा जिसको टीवी बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो उसने क्या किया, थर्ड ईयर में 600 टीवी सेट बनाए, 600 सेट्स बनाए, सेवेंथ ईयर में 700 बनाए। एज्यूम दैट प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली फिक्स नंबर। अब जैसे ये फिक्स नंबर बोला, इसका मतलब कि एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। तो हमको थर्ड ईयर, थर्ड ईयर मतलब क्या, ए थ्री दैट इज 600, फिर ए सेवन दैट इज 700, ये हम लोगों को दे रखा है। अब ए थ्री 600 मतलब क्या, ए प्लस 2d, ये मैंने बता के रखा है। ए थ्री मतलब क्या, ए प्लस 2d, हमेशा d के साथ एक कम लिखते हैं, तो 600 आ जाएगा, ए थ्री हो गया ये, ठीक है। अब ए सेवन मतलब क्या, ए प्लस 6d दैट इज 700, दोनों को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो कर दो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया 2d माइनस 6d दैट इज माइनस ऑफ 4d, 600 माइनस 700 माइनस ऑफ 100, तो d माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर 25 रख दो भाई, d 400 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 25, इसको किसी एक में रख दो, तो जैसे ही रखोगे तो ए आ जाएगा, यहां रख देते हैं, चलो तो 25 रखोगे तो ए किस में रखे हैं, चलो रख के दिखाते हैं, ये रख दिया, तो जैसे ही रखोगे तो क्या आएगा, ए प्लस 2 × 25 इज इक्वल टू 600, तो यहां से ए कितना आएगा, ये 50 हो जाएगा, 600 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 550, चलो ये हम लोगों को मिल गया। तो क्या क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो मिल गया पहले का आंसर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना होगा, दैट इज फर्स्ट टर्म 550। सेकेंड क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर, तो प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर क्या होगा बताओ, प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर, टेंथ ईयर मतलब क्या, ए टेन पूछ रहा है, तो ए टेन बराबर ए प्लस 9d, हमेशा एक कम, तो ए की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, 550 प्लस 9 × d, d कितना है 25, तो 550 प्लस 225, तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ लो 775, ये आ गया हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड यहां कर देते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या बोल रहा है, अब समेशन निकालने को, वो भी कितना, S7 पूछ रहा है, तो S7 निकालना है, तो इसके लिए A पता है, A कितना है 550, D कितना है 25, इसके बाद N कितना है 7, तो रख दो फॉर्मूला में S7 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, SN बराबर N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो रखो N की वैल्यू 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 2A 550 इंटू 2 1100 प्लस N माइनस 1, तो 7 माइनस 1 6 इंटू 25, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 1100 प्लस 6 × 25 150, तो 150 आ जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 1100 प्लस 150 1250, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए। अब हमारा बचा एक क्वेश्चन, जिसका मैं भी एक फॉर्मूला लिखाता हूं, उसके बेसिस पे वो वाला क्वेश्चन होता है। चलो तो उसके लिए पहले इसको रफ कर देते हैं सारा, ध्यान से पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, वर्ड वाले क्वेश्चन को मैंने कितने बार बोला है कि न्यूमेरिकली चेंज करिए, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है, इफ SN इज इक्वल टू 4 + 3n² देन फाइंड AN, ठीक है। तो देखो, इसके लिए नोट करके लिखो, सबसे पहले नोट, इफ SN इज गिवन, इफ SN इज गिवन देन AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ये
कि कभी भी अगर एस एन दिया है और ए एन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। क्या मतलब है देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन क्या दे रखा है देखिए, 4 + 3n² ए एन का फॉर्मूला एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो एस एन तो यही है, एस एन को यही रख दीजिए, तो 4 + 3n का होल स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन रख दो केवल। अगर मैं बोलूं एस एन दे रखा है तो यहां से एस एन माइनस वन क्या होगा, एन के जगह एन माइनस वन, तो 4 + 3n - 1 का होल स्क्वायर रख दो यहां पे, तो 4 + 3 times n - 1 का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो दिख रहा है 4 और 4 कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा 3n² आएगा, माइनस टाइम 3n - 1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 3n² - 3n² + 1 -2n, यही आएगा, करके देखो ओपन, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो 3n² - 3n² - 1 - 3 होगा ना, क्योंकि 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3, ये माइनस भी है और माइनस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो 6n, ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 6n - 3। तो हमारा ए एन कितना आया, 6n - 3 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अगर मैं चैप्टर को एक समय के लिए समराइज करूं तो मुझे क्या क्या फॉर्मूले अगर अच्छे से याद रखने हैं, तो मुझे सबसे पहले ए एन का एक फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये याद रखना है। एस एन का याद रखना है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है और बाकी सारे मीनिंग याद रखने की, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। बाकी चैप्टर यहां पे एंड हुआ। अब इस चैप्टर को एंड होने के बाद आप लोगों को कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 5.3। क्या कंप्लीट करना है, 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, जो भी आप लोगों को डाउट्स होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा हम सॉल्व कर लेंगे, तो पहले पढ़िए इस लेक्चर को, कंप्लीट करिए एंड देन होमवर्क करिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, बाय बाय तब के लिए।